हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपकी यूट्यूब डेंटिस्ट डॉक्टर एस फातिमा। अगर आप किसी डेंटिस्ट को विज़िट करने जा रहे हैं फॉर चेकअप्स या प्रोसीजर्स और कुछ एडवाइस चाहिए दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर डेंटिस्ट विजिट लाइक अ प्रो, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टॉप 10 सीक्रेट टिप्स जो डेंटिस्ट को विज़िट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1 इज़ ब्रश योर टीथ। जब आप डेंटिस्ट को विज़िट करने जा रहे हों तो कोशिश करें कि दांतों को ब्रश करके जाएं, दांतों को क्लीन करके जाएं। ये बेहतर है कि आपके दांत साफ़ हों और जब डेंटिस्ट अपना काम कर रहा हो, आपके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो, तो उसके लिए आसानी हो। टिप नंबर 2 इज़ डार्क शेड की लिपस्टिक्स मत लगा के जाएं जब आप डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि डेंटिस्ट ने आपके माउथ पर काम करना है और जब वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होगा तो मुमकिन है कि उसके ग्लव से सारे की सारी लिपस्टिक आपके मुंह पर कुछ इस तरह से फैल जाए और आप ऐसे लगेंगे। टिप नंबर 3 इज़ कि डेंटिस्ट के पास जाते वक्त कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या सेंट ना लगा के जाएं। अक्सर कुछ डेंटिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको एलर्जीज़ हो सकती हैं स्ट्रॉन्ग सेंट से और वो प्रोसीजर को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दिस। टिप नंबर 4 इज़ ड्यूरिंग प्रोसीजर डेंटिस्ट के हाथ को अचानक पकड़ने से अवॉइड करें। प्रोसीजर ख़राब हो सकता है और आपको चोट लग सकती है। टिप नंबर 5 इज़ डेंटिस्ट की आंखों में ड्यूरिंग प्रोसीजर घूर घूर के देखना बंद करें। प्यार तो नहीं होगा बट डेफिनेटली डेंटिस्ट एंक्शियस हो कि आपका प्रोसीजर शायद ख़राब ज़रूर कर दे, इसमें आपका नुकसान है। सो डोंट गिव अ डेथ स्टेयर इनटू डेंटिस्ट्स आई ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नंबर 6 एडवाइस इज़ कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने डेंटिस्ट से ना छुपाएं। अगर आप अपनी हार्ट की कंडीशन या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ को अपने डेंटिस्ट से छुपाते हैं तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर आपकी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी एक्सेसिबेट हो सकती है। प्लीज़ अवॉइड दिस। नंबर 7 टिप इज़ कि एक डेंटिस्ट के सामने दूसरे डेंटिस्ट की बुराई कभी ना करें। दिस इज़ हाईली अनएथिकल एंड नॉट गुड एट ऑल। प्लीज़ अवॉइड दिस ऑल्सो। नंबर 8 टिप इज़ बिना किसी सॉलिड वजह के अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल ना करें। नंबर 9 टिप इज़ गूगल के नॉलेज को अवॉइड करें। उससे आपको कोई ख़ासा फ़ायदा तो नहीं होगा बट हाँ, नुकसान ज़रूर हो सकता है। आप खुद को गलत डायग्नोस कर सकते हैं। आखिरी और नंबर 10 टिप है कि अपनी सारी इमरजेंसी की मेडिसिन्स, इन्हेलर्स अपने साथ रखें। ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, so don't forget your medication, okay? Please like the video and subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.